मनु सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि हम आपसे मुलाकातें होती रही हैं, एक शायद आप इंडस्ट्री के ऐसे वाइज शख्स होंगे जो कोविड में भी बाहर थे और जहाँ जहाँ मुनासिब था जाना वहाँ पहुँच भी रहते, अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते। आपका कैसा रहा है ये बहुत, कोरोना का जो दौर रहा है हमने देखा है सब कुछ। मेरे लिए तो ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। मैं इस लॉकडाउन से पहले एवरेज 2000 लोगों को रोज़ गाना सुनाता था, मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं 10-12। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं रोज़ 3 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ। मैं किसी न किसी ऑनलाइन शो में जुड़ा रहता हूँ, किसी न किसी न्यूज़ से जुड़ा रहता हूँ, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता हूँ। सारी दुनिया, तक कि पाकिस्तान से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी हमारे प्रोग्राम में गा दीजिए, हम उनको सुना देते हैं। पता लगा 50,000 लोग सुन रहे हैं। तो इस वक्त समय यह है कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय वेस्ट करने वाला है नहीं, ये हमको रॉन्ग रीजंस के लिए मिला है, लेकिन उसको आप एडवांटेज बना लीजिए। जैसे कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एडवांटेज बना लिया कि वो लोग सब हर घर में कुछ ना कुछ पार्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में भी यही होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें इस पॉपुलेशन को एडवांटेज बनाना है, डिसएडवांटेज नहीं। तो यही चीज़ है कि इस लॉकडाउन के टाइम को आप अपनी अच्छी सेहत बनाने में गुजारिए। अब मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ, मैं रोज़ जल नीति करता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मैं सुबह उठ के हल्दी वाला दूध पीता हूँ, मैं एक लहसुन खाता हूँ सुबह उठ के एक दाना, उसके बाद मैं च्यवन प्राश खाता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण खाता हूँ, विटामिन सी लेता हूँ, नींबू आंवले खाता हूँ। तो ये कोरोना रोना कहाँ से आएगा मेरे पास, भाग जाएगा इधर तो उधर भाग जाएगा। तो ये समय है कि आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लीजिए कि अगर भविष्य में कोई कोरोना का कज़न ब्रदर आने वाला है ढरोना भरोना, तो वो आपको न छू सके। आप अपनी तैयारी ऐसी कर लीजिए। आपने अपने इस जवाब के अंदर कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते आए हैं कि आपदा में अवसर तलाशें, उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो हमारे नेता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, विधिवत सदस्य हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। तो उनके जो वचन हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, बिल्कुल सही है। और अपने देश में हर घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो, कुछ ना कुछ बने। चाइना ने यही तो किया है कमाल, अपनी पॉपुलेशन को एडवांटेज बनाया, हर जगह कुछ बन रहा है, हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। अनुज जी, क्या आप मानते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान से भी लोग आपको अप्रोच करते हैं, हाँ, हमारे इस सरहद के उस तरफ जहाँ हमारे रिश्ते, हमारे देश के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आप गाते हैं और लोग आपको सुनते हैं, क्या मानते हैं कि कला संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सरहदें नहीं देखते? देखिए ऐसा है, ये कोविड का समय है, इस समय हमें ज़रा दूसरे तरह से सोचना चाहिए। लेकिन वैसे तो वो हमारा दुश्मन है, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे कभी गाना गाने, हम वहाँ उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन कभी कोविड पे कोई डिस्कशन होता है, इंटरनेशनल डिस्कशन होता है, वो पाकिस्तान में होता है, तो हम वहाँ उनसे ज्वाइन होते हैं, उनको समझाते हैं हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग भी यही करो। अनुज जी, बिग बॉस भी चालू हो चुका है, और बिग बॉस से पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा से बहुत बड़े बड़े चैनल का हिस्सा रहे हैं, पैनल डिस्कशन में हमेशा आपको बुलाया जाता है, आप एक चेहरा है जो बॉलीवुड का पक्ष रखते हैं। यू नो, देयर इज अ डिविडेशन इन बॉलीवुड इन करंट सिनेरियो, कुछ लोग अपनी अलग बात रखते हैं, आप अपनी अलग बात रखते हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर जितना सब कुछ हुआ, या सुशांत सिंह राजपूत, दिवंगत आत्मा इस दुनिया में नहीं, उनको लेकर जितना सब कुछ हुआ, मर्डर की थ्योरी हुई, रिपब्लिक ने अर्नब ने अपना कुछ और कहा, फिर इस पूरे तामझाम को, अब रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को बेल दे दी है, और हालांकि बरी नहीं की है। सी, देयर इज अ डिफरेंस, बेल देना और बरी करना, सब आरोपों से मुक्त करना, वो दो अलग बात। इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं आप? केस चल रहा है, सुशांत जा चुका है, कम से कम इतना तो हुआ कि उस व्यक्ति के बलिदान से हमारे देश से ड्रग रैकेट ख़त्म हो जाएगा। जगह जगह पूरे देश में लोगों के यहाँ धरपकड़ हो रही है।
अब तीन एजेंसीज काम कर रही हैं इसके पीछे, जिसमें एक फाइनेंस का चक्कर है, वो भी चेक किया जा रहा है उसके पैसे का क्या हुआ, उसका मर्डर कैसे हुआ, उसके सीबीआई है, और एक और ड्रग एंगल है। वो तीनों अपना काम कर रहे हैं। अभी तक 100% तीनों का फैसला नहीं आया, अभी भी वहाँ मामला चल रहा है। तो हम इंतज़ार करें, क्योंकि बाद में हमको वही मानना पड़ेगा जो हाई कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हमको तो वही मानना पड़ेगा ना। ये बेल तो मिल जाती है, लेकिन बेल के बाद केस लड़ना और अपने को सिद्ध कर देना कि भाई मैं निर्दोष हूँ, तो वहाँ तक का सफ़र अभी लंबा है। वो हो जाने दीजिए, फिर जो फैसला आएगा मान लेंगे। अनुज जी, ये भी आप मानते हैं कि कहीं दो धड़े में एक बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ सब मिलके, मैंने आई रिमेम्बर 93 बॉम ब्लास्ट, मैंने वो दौर देखा है जब इंडस्ट्री के सारे दिग्गज रोड पे उतरे थे जीप में और एक पूरी रैली चली थी जू तारा रोड से, कि शांति और अमन और चैन और के साथ खड़े हैं। एक वो लोग हैं जो रिया की बात से सहमत नहीं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस चेंज? सुशांत और रिया का जो मसला है, इसको नेशनल बनाया गया, ये नेशनल है नहीं। ये एक अच्छे एक्टर का मसला है और उसकी गर्लफ्रेंड का, जो भी एक्टर है उसका मसला है। ये कोई हमारा आर्मी का मसला नहीं है जो नेशनल मसला हो और सब लोग सड़क पे उतर आएँ और जुलूस लेके जाएं, ऐसा ये नहीं है। लेकिन भावुक मसला है। वो एक अच्छा एक्टर था, हम उसको प्यार करते थे, हम भी उसको पसंद करते थे, हम उसको मिले हैं, हमने उसके उसको प्रोग्राम सुनाया, उसने हमारे साथ बैठ के गाया और उसने कहा जी हम गिटार बजाएंगे आपके साथ, तो हम आई हैव सीन हिम टेकिंग इंटरेस्ट इन माय म्यूज़िक एंड ही आल्सो सिंगिंग हिज सॉन्ग्स, ये सब देखा है। तो एक भावुकता तो है ही है, लेकिन इसको हम नेशनल इशू थोड़ी बना सकते हैं कि भाई उसके लिए पूरी जनता सड़क पर उतर के आ जाए। उससे जो लोग भावुकता से जुड़े हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी भावुकता से जुड़ा हूँ, मैंने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि इसका फैसला जल्दी होना चाहिए, हमको असलियत पता लगनी चाहिए कि क्या उसको मारा गया या उसने खुद खुदकुशी की, इन सब चीज़ों का पता तो लगना ही चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हो, तो जल्दी से जल्दी ये काम हो। एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी एंड दे सेड कि इट इज अ सुसाइड, वो कहा है, लेकिन उसमें भी एक डॉक्टर के ऊपर कुछ बात चल रही है जिसने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कहा है, तो उस पर कुछ कंट्रोवर्सी है। सोशल मीडिया में भी लोग बात भूल जाते हैं कि एक अनूप जलोटा साहब हैं जो पद्मश्री सम्मानित हैं, इतने दिग्गज हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को गाली देते हुए और कुछ बुरा भला कहते हुए झिझकते नहीं हैं, कोई किसी को कुछ भी कह रहा है। अब कंगना रनौत से लोग कह रहे हैं कि आपने कहा था रिपब्लिक में बैठ गए कि आप अवार्ड वापस करेंगे पद्मश्री, तो करिए। और खुद आप पद्मश्री अनूप सर इस पूरे मसले को कहते हैं कि लोगों में वो टॉलरेंस रहा है या खत्म हो रहा है, कहाँ नहीं, लेकिन उनको क्यों कहा जा रहा है पद्मश्री वापस करो? उन्होंने रिपब्लिक पे बैठ के कहा था कि अगर रिया इस केस में मुजरिम साबित नहीं हुई तो मैं अपना, तो अबेल है भी तो बाहर से लड़ना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। क्या बिग बॉस देख रहे हैं अनूप सर आप? हमने कभी देखा ही नहीं बिग बॉस, हम सिर्फ बिग बॉस खेले हैं। हमने बिग बॉस में जब हम आए थे उसके पहले भी नहीं देखा था, हमने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा और उसके बाद भी कोई सेशन का कोई एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि हम गए थे एक पेड हॉलीडे के लिए, हमको ज़रा आराम करना था, एक डेढ़ महीना आराम किया, पैसे भी मिले, अगर हम कहीं स्विट्ज़रलैंड जाते तो 2-4 लाख रुपया खर्च हो जाता उतने टाइम, तो हम तो उसके लिए गए थे, बाकी तो कुछ नहीं। अभी भी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, हमको तो मज़ा आया था वहाँ जाके, पूरा टाइम मिला हमको अपनी एक्सरसाइज करने का और अपने जो भी योगा अभ्यास हम करते हैं सब करने का, खूब रियाज किया हमने, ज़रा म्यूज़िक भी इम्प्रूव हुआ, मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई, तो भैया फिर बुला लो, आ जाएंगे। तो आप ये कंसिडर करते हैं कि बिग बॉस इस शो होने के साथ साथ एक पेड हॉलीडे ऑप्शन है? मेरे लिए तो है भाई, देखिए जिन लोगों के लिए नहीं है उनके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो एक हॉलीडे था, मैं तो गया था हॉलीडे, मैंने तो वहाँ उनको एक हफ्ते बाद कहा मुझे बाहर निकालो यार, हो गया मेरा काम, हो गया, मैंने देख लिया सर, मज़ा आ गया, मैं अब बाहर आना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं जीतने के लिए, उनको जीत के आना है, हमको ऐसा इंटरेस्ट था ही नहीं, जीत के थोड़ी आना था, देखना था क्या है मामला, वहाँ देख लिया। क्या क्या तजुर्बा रहा आपका, जैसे आपने बहुत बहुत, क्योंकि आप बहुत बेबाक हैं, अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखते हैं, अभी भी आपने रखी कि भाई मैं तो पेड़ हॉलीडे के लिए गया था, क्या
इंसानी फितरत में, इंसानी स्वभाव में, जो वो खुद हैं, जो यू नो ऑफ स्क्रीन और रियल लाइफ में अलग अलग चेहरे होते हैं, वो नजर आते हैं, आ जाते हैं, एक इंसान की मानसिकता उभर सामने आ जाती है जो किसी जो सिर्फ उस तक सीमित रहती है। 16-17 लोग होते हैं, पहले दिन तो सब बहुत प्यार से मिलते हैं, तो मिल के दो दिन जाएंगे, कहेंगे यार बंदा ठीक है यार, लेकिन कुछ अकेले अकेले रहता है। तीसरे दिन कहेंगे यार अजीब सा बंदा है यार, खाना हम लोग बनाने लग गए, खाना बनाते हैं तो आता ही नहीं है, साथ नहीं देता। फिर चौथे दिन उसको गालियाँ वालियाँ देने शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उन्हीं चेहरों को देख रहे हैं, ना फ़ोन पर किसी से बात कर सकते हैं, ना टेलीविज़न है, ना आपके पास घड़ी है, आपको पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, कुछ भी तो वहाँ वो चीज़ नहीं है जो आपको दुनिया से जोड़े, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, एक सलमान खान आके थोड़ी बात कर लेते हैं आके, बाकी तो कुछ वहाँ है नहीं। तो इस वजह से धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई शुरू होती है। जैसे फ्रस्ट्रेशन का मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे मेरा मन हुआ कि मैं इस वक्त ट्रेडमिल करूँ, मैंने देखा ट्रेडमिल चल रही है, मैं गया, जैसे ही खड़ा हुआ ट्रेडमिल का स्विच ऑफ हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा ना, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरे में गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो गालियाँ देना शुरू कर देते, ये बिग बॉस वाले क्या करते हैं क्या है। इसी तरह वॉशिंग मशीन, आप गए कपड़े आपने अंदर डाले, साबुन डाला, वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ हो गया, तो वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, प्रोवोक करते हैं, हाँ, कि आप लड़ें, एक दूसरे से ढाई ढूंढ करें। तब उनको उस 24 घंटे की शूटिंग में से एक घंटा बढ़िया मिलता है एडिट करके। अच्छा, तो 175 कैमरे लगे हैं। हाँ, एक बिग बॉस इज द गेम हु प्रोवोक यू टू मेक टीआरपी हाइज और द शो मस्ट गो ऑन। ऑफ कोर्स, तभी तो होता है। अब वो एक घंटे की शूट एडिट करके जो निकालते हैं वो मक्खन होता है, ये पूरा पूरा का पूरा 24 घंटे में से।